दोस्तों, हमें से कोई भी पर्सन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसकी वजह से हमें इनकम टैक्स से किसी प्रकार का नोटिस मिले, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मुझे चैनल पर पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में, और उसमें से जो दो कॉमन क्वेश्चन हैं उनका मैं आज इस वीडियो में आंसर करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन तो यह है कि सर, हम कितने सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं ताकि हमें इनकम टैक्स से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, और दूसरा, इन सेविंग अकाउंट में हम मैक्सिमम बैलेंस कितना रख सकते हैं ताकि हमें इनकम टैक्स से किसी प्रकार का नोटिस न मिले। तो सेविंग बैंक के ट्रांजेक्शन को लेकर काफी सारे कंफ्यूजन है व्यूअर्स में, तो उन सारे को दूर करने के इंटेंशन से ये वाला वीडियो मैंने आज का प्रिपेयर किया है। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आपको सेविंग बैंक के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टैक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल, जहां पे आपकी इनकम टैक्स और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड सारी क्वेरीज का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि इनकम टैक्स के अंतर्गत ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपको ये बताए कि आप मैक्सिमम कितने अकाउंट रख सकते हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितने सेविंग अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं उतने मेंटेन कर सकते हैं। इनकम टैक्स में इससे रिलेटेड कोई भी रूल नहीं दिया गया है, पर आपको ध्यान रखना है सेविंग अकाउंट में किए गए ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो सेविंग अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बट मैं आपको यहां पर ब्रीफ में बता देता हूं कि सेविंग बैंक अकाउंट में स्पेशली कैश ट्रांजैक्शन करते समय आपको ध्यान देना है। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी पूरे साल में, आपको न तो 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश जमा करना है और न ही 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ करना है। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो विड्रॉल की 10 लाख की लिमिट है, ये एक टोटल लिमिट है, यानी अगर आप पार्ट पार्ट में भी करके 10 लाख रुपए से ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं या पार्ट पार्ट करके 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस काफी सारे होते हैं। इनफैक्ट आपको इनकम टैक्स से 100% नोटिस आएगा अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया है या 10 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया है। तो एक तो लिमिट आपको ये ध्यान रखनी है, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे आप ट्रांजेक्शन 10 लाख से नीचे कर रहे हैं, पर सिंगल ट्रांजेक्शन आपका 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सपोज आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 8 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया जिसमें आपने एक सिंगल ट्रांजेक्शन 3 लाख रुपए का कर दिया, तो यहां पे भी आपको इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस होते हैं। तो आपको दोनों चीजें मेंटेन करनी है, सिंगल ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और टोटल ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये तो हुई सेविंग बैंक अकाउंट से डिपॉजिट और विड्रॉल की कैश लिमिट। दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियो में मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं उसका सोर्स क्या है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहां पर शेयर करता हूं उसका एक ऑथेंटिक सोर्स होता है, और वो मैं आपको यहां पर रिवील कर देता हूं। तो यहां से आप देख सकते हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, incometaxindia.gov.in। यहां पर आपको टैक्स ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करना है और इसमें सबसे लास्ट पेज पे जाना है, 5वें नंबर पेज पे, और यहां पे आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगा अंडरस्टैंडिंग एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट का। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये लोगो है। तो यहां से आप पूरा पढ़ सकते हैं कि जो टैक्स पेयर्स है उनके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस पर वॉच रखने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए ये ट्रांजेक्शंस जो है रिपोर्ट किए जाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं नेचर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांजेक्शन जो है यहां पर दिया हुआ है, और कौन पर्सन उसे रिपोर्ट करेगा वो यहां पर दिया हुआ है। तो यहां से आप पढ़ सकते हैं, अगर कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल 50 लाख से ज्यादा किसी करंट अकाउंट में होता है तो बैंकिंग कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है, और इसी तरीके से अगर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा अदर देन करंट अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट में अगर आपका डिपॉजिट होता है या विड्रॉ होता है तो बैंक को यह रिपोर्ट करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है, फिर वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है कि आपने ये जो कैश का विड्रॉल किया है या फिर कैश डिपॉजिट किया है इसका सोर्स क्या है। तो ये तो मैंने आपको दो ट्रांजेक्शन बताए, इसके अलावा और भी ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं जिनको करने पर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है, वो मैं किसी सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर तो कुल मिलाकर 13 ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनको करने पर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। तो इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके ये सारे ट्रांजेक्शन आप पढ़ सकते हैं और इसका नॉलेज ले सकते हैं। तो ये सारे 13 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है और इनकी क्या लिमिट है जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है, तो ये कवर करते हुए एक सेपरेट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा इसी चैनल पर। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर, अगर हमें चेक से पैसा मिला है या कोई डिजिटल माध्यम से पैसा मिला है और अगर ये पैसा 10 लाख रुपए से ऊपर है तो क्या कोई इनकम टैक्स से नोटिस आएगा? तो इस केस में इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस काफी कम होते हैं।
बट आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका प्रॉपर सोर्स और प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेक और डिजिटल माध्यम से अगर आपको पैसा आता है तो नोटिस आने के चांसेस काफी कम होते हैं, पर चांसेस फिर भी होते हैं, इसलिए आपको हमेशा अलर्ट होना है और जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका सोर्स आपके पास जरूर होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं पूरी चीजों को समराइज करके अगर बताऊं तो सेविंग बैंक अकाउंट आपको कितने रखने हैं वो आपकी कन्वीनियंस पे, आपकी सहूलियत पे डिपेंड करता है, इससे रिलेटेड इनकम टैक्स में कोई रूल नहीं है। तो अगर आप 5, 7, 10 सेविंग अकाउंट भी मेंटेन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स से कोई परेशानी नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है ट्रांजेक्शंस का, स्पेशली कैश ट्रांजेक्शन का, 10 लाख की एक क्यूमुलेटिव लिमिट है और सिंगल ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है वो 2 लाख की है। डिजिटल पेमेंट्स अगर आपको आते हैं 10 लाख से ऊपर आते हैं तो नोटिस के चांसेस कम होते हैं, पर फिर भी उसके सोर्स का आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपको इनकेस नोटिस आ जाता है या कोई इंक्वायरी आती है इनकम टैक्स से तो आप फिर उसे एक्सप्लेन कर सकें। अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि सर सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस कितना रख सकते हैं, क्या 40 लाख 50 लाख 60 लाख का बैलेंस अगर हमारा है तो क्या हमें इनकम टैक्स से कोई नोटिस आ सकता है? तो अगेन यहाँ पर जो इनकम टैक्स में रूल है वो केवल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यानी साल में आप कितना डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं इसके ऊपर रूल है, आपका बैलेंस कितना हो सकता है इसके ऊपर कोई भी रूल नहीं है। तो सपोज आपकी हर साल 4 लाख रुपए की सेविंग होती है और आप ये हर साल सेविंग का पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं, तो हर साल आपने 4 लाख रुपए जमा किए तो इस प्रकार 10 साल में आपका बैलेंस हो गया 40 लाख का, तो आपको क्या इनकम टैक्स से कोई परेशानी आ सकती है? आंसर है कोई परेशानी नहीं आ सकती है जब तक आपके पास उस सोर्स का प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो लिमिट है इनकम टैक्स के अंतर्गत ये आपके टोटल बैलेंस की लिमिट नहीं है, ये आपकी एनुअल लिमिट है, हर साल आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया आपके कैश का ट्रांजेक्शन्स का आपको ध्यान रखना है और जो भी आपके अकाउंट में जमा हो रहा है चाहे आपका वो कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे आपका डिजिटल माध्यम से आपका कोई पेमेंट आ रहा है तो उसके सोर्स का आपको जरूर ट्रैकिंग रखनी है। तो सपोज अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की और उस प्रॉपर्टी सेल करने से आपको 15 लाख रुपए मिले और ये 15 लाख आपको चेक के माध्यम से मिले और आपने बैंक में जमा कर दिए तो क्या आपको कोई परेशानी होने वाली है? आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पेमेंट आया है वो डिजिटल माध्यम से आया है और दूसरा आपके पास उसका प्रॉपर सोर्स है, आप उसे प्रॉपरली जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर मुझे पैसा ये कहां से आया है। पर आपको ध्यान ये रखना है कि इस प्रकार के जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट जरूर करना है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है और इनकम टैक्स में ये सारे ट्रांजेक्शन आपको करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी प्रॉपर्टी का सेल या परचेस होता है और उससे रिलेटेड अगर आपने ट्रांजेक्शन किए हैं तो ये ट्रांजेक्शन आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करने होते हैं। और सपोज आपके प्रॉपर्टी सेल होने पर कोई आपको कैपिटल गेन हुआ है तो इस गेन को आपको अपने ITR में शो करना होता है और जो भी आपका टैक्स बनता है उस गेन पर वो आपको पे करना होता है। तो जब तक आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करते हैं तब तक आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। इवन मैं आपको यहां तक बोल सकता हूं कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने 10 लाख से ज्यादा का कैश भी जमा किया है बट उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके पास है, आपके पास वो प्रॉपर सोर्स है कि सर ये पैसा मेरे पास यहां से आया है, आप लीगली वो प्रूफ कर सकते हैं और वो एक लीगल पैसा है, तो भी आपको इनकम टैक्स से कोई परेशानी नहीं होगी। यानी इनकम टैक्स से नोटिस तो आएगा बट आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर मुझे ये जो पैसा मिला है वो इस पर्टिकुलर सोर्स से मिला है और ये मेरा एक जेन्युइन सोर्स है, टैक्स दे चुका हूं और इनकम टैक्स में वो सारे कैलकुलेशन भी दिखा चुका हूं, तो इनकम टैक्स से आपको इस प्रकार कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन वो सेविंग अकाउंट से न करके एक करंट अकाउंट खुलाएं और उस करंट अकाउंट से अपने सारे ट्रांजेक्शन करें। जैसे कि मैंने आपको सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल की लिमिट 10 लाख बताई, यही लिमिट करंट अकाउंट में 40 लाख रुपए है, यानी कि एक करंट अकाउंट में आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 40 लाख रुपए तक टोटल जमा भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि 40 लाख रुपए की कैश की लिमिट आपको ब्रीच नहीं करनी है जब तक आपके पास इसका प्रॉपर सोर्स नहीं हो और हर सिंगल ट्रांजेक्शन आपको 2 लाख रुपए के नीचे रखना है, जैसा कि मैंने सेविंग अकाउंट के टाइम पे भी बताया था। तो करंट अकाउंट के बारे में भी अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैंने एक डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि करंट अकाउंट में आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना विड्रॉ कर सकते हैं और उसके क्या प्रॉपर रूल्स हैं, ये सारी चीजें मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम ये जो लिमिट है सेविंग बैंक अकाउंट की 10 लाख की लिमिट या करंट अकाउंट की 40 लाख की लिमिट ये ब्रीच कर देते हैं, यानी इससे अगर ज्यादा हम डिपॉजिट कर देते हैं या विड्रॉ कर देते हैं तो फिर क्या होगा? तो इन केसेस में आपको इनकम टैक्स से एक नोटिस आ सकता है जिसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश सेविंग अकाउंट में जमा किया है या 40 लाख रुपए से ज्यादा का कैश आपने करंट अकाउंट में जमा किया है इसका सोर्स क्या है, ये पैसा आप कहां से लाए हैं? तो अगर आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन है वो आपका एक लीगल सोर्स है तो वहां पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस केस में आपको इनकम टैक्स से कोई परेशानी नहीं होगी। और सपोज आपके पास इस प्रकार से डिपॉजिट किए गए पैसे का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उस केस में इस पैसे को अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट माना जाता है और इस प्रकार के पैसे पे आपको कम से कम 60% की रेट से
इनकम टैक्स देना होता है। तो सपोज आपने 15 लाख रुपए जमा किए हैं सेविंग अकाउंट में, जिसका आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इस केस में 15 लाख का 60% यानी 9 लाख रुपए आपको एज ए इनकम टैक्स जमा करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अलर्ट रहना है, ध्यान रखना है कि ये जो कैश की लिमिट है आप ब्रीच नहीं करें, और ब्रीच अगर करते हैं तो इसका प्रॉपर आपके पास एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर उसका आपके पास सोर्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टीपल सेविंग अकाउंट रखने से इनकम टैक्स में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इस बारे में इनकम टैक्स में किसी प्रकार का रूल नहीं है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से जितने सेविंग अकाउंट मेंटेन करना चाहें उतने कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि जितने आप सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपका मिनिमम बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर बैंक आपको उस पर चार्जेस लगाती है। दूसरा, फिर आपको अगर आपने डेबिट कार्ड इशू कराया है तो हर साल आपको डेबिट कार्ड का चार्ज लगता है। इसी प्रकार से SMS के चार्जेस होते हैं। तो अगर आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट हैं तो फिर आपके चार्जेस भी उसमें काफी सारे लगते हैं, जिसकी ट्रैकिंग आप नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आपको केवल उतने बैंक अकाउंट रखने चाहिए जिसकी ट्रैकिंग आप प्रॉपर रख पाए, जिनमें आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाए, क्योंकि ऐसा करके आप जो भी अननेसेसरी चार्जेस लग रहे हैं आपको मिनिमम बैलेंस के या डेबिट कार्ड से, उनसे आप बच सकते हैं। आई होप कि बैंक अकाउंट को लेकर आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे इस वीडियो को देखने के बाद वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट से लेकर कोई भी डाउट बच गया है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं केवल आपको इन बैंक अकाउंट के बारे में ये क्लेरिफिकेशन देना चाहता था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, ताकि वो भी इसी प्रकार के वीडियोज का फायदा उठा पाएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।